नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली तनुश्री दत्ता ने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को भी अपने शोषण में शामिल बताया है। तनुश्री का कहना है कि वो एक झूठा इंसान है और मुंह देखकर बात करता है। उसको मेरी वजह से काम मिला, लेकिन उसने मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा। उसने नाना पाटेकर का साथ दिया, इसलिए वो भी मेरे शोषण में बराबर का भागीदार है। जाने माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने तनुश्री के नाना पाटेकर पर लगाए आरोपों पर कहा कि कुछ दिक्कतें थी, लेकिन दत्ता के आरोप ठीक नहीं हैं। अभिनेत्री ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर पर एक फिल्म के सेट पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि नाना पाटेकर ने 10 साल पहले एक फिल्म के सेट पर उनका उत्पीड़न किया था। तनुश्री दत्ता ने बताया कि फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उनसे बदतमीजी की थी। नाना पाटेकर उनका हाथ पकड़कर खींचने लगते थे, उन्हें डांस सिखाने लगते थे। तनुश्री ने बताया कि पाटेकर ने मेकर से गाने में उनके साथ एक इंटीमेट स्टेप की भी डिमांड की थी। साल 2008 में तनुश्री के आरोपों के बाद नाना पाटेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया था। उन्होंने कहा कि तनुश्री मेरी बेटी की उम्र की है और मुझे नहीं मालूम कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। मैं पिछले 35 सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हूं और किसी ने मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं कहीं।